एनएस यूआई के छात्रों ने रविशंकर विश्वविद्यालय के सामने जाकर नारेबाजी की और प्रदर्शन भी किया। इस पूरे मामले में कुलपति को ज्ञापन भी सौंपा गया। छात्र परीक्षा के समय सारणी में परिवर्तन करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन में एनएस यूआई के लगभग 50 से ज्यादा छात्र मौजूद थे और इस पूरे मामले में छात्रों का कहना है कि परीक्षा में कम वक्त बचा है और यदि ज्ञापन सौंपने के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ तो विश्वविद्यालय का घेराव किया जाएगा। बीए फर्स्ट ईयर का जो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का जो पेपर है वो क्लैश हो रहा था, क्योंकि कुछ बच्चे जो है दोनों पेपर लेते हैं और सेम डेट में वो एग्जाम था। तो हमारे रिस्पेक्टिव जो डिप्टी रजिस्ट्रार साहब एग्जामिनेशन सेक्शन के इंचार्ज हैं, उसने कहा कि हम टाइम टेबल को रिवाइज कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली एक दो दिन में वो रिवाइज टाइम टेबल जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। विश्वविद्यालय में कई ऐसे छात्र हैं जो दोनों सब्जेक्ट चूज करके पेपर दे रहे हैं, उनका क्या होगा ऐसे में? एक समय में तो दो पेपर कोई व्यक्ति दे सकता नहीं है। और रही बात 3 घंटे की, अगर विश्वविद्यालय चाहे कि एक साथ दो पेपर दे भी दे तो 3 घंटे में कैसे देगा दो पेपर? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र